आज आपके सामने यहाँ पर हम करड़ी बताने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि करड़ी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लोगों के लिए परेशान कर देता है। यहाँ पर हम इससे पहले घात और घातांक बताए थे, जो कि आपके लिए जरूरी होता है वो समझना। इससे पिछला वीडियो था, जरूर देख लीजिएगा। और उसके पिछले वीडियो आए एरिया और क्षेत्रफल से रिलेटेड दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एरिया और रिलेटेड वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो वहां पर मैं घन और घनात्मक तक क्षेत्रफल वाले में पहुंचा हूँ, उसके बाद शंकु और बेलन में बताऊंगा, उसके बाद गोला और अर्धगोला बनाऊंगा, उसके बाद जो भी और बचेगा बनाऊंगा, वो अब भी वीडियो चलता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपके लिए बीजगणित से रिलेटेड चीजें लेकर आ रहा हूँ। वहां पर आपका जो है आपका मेंसुरेशन चल रहा है, जो कि एरिया क्षेत्रफल से होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर करड़ी क्या है। करड़ी आपको पता है कि ये देखे होंगे, अगर चिन्ह आपको तो दिख रहा होगा, ये कहीं पर दिख जा रहा, तो समझ लो कि करड़ी वाली बीमारी है ये। रूट, तो करड़ी का मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले परिभाषा, संख्याओं की जो मूल संख्या होती है, जो संख्या है उसके मूल जो निकलता है, यानी मूलों की संख्या, सॉरी संख्याओं का जो मूल ज्ञात करने की जो विधि होती है, वही हमारा करड़ी द्वारा निकलती है। वही क्या होती है? करड़ी द्वारा निकलती है। जैसे यहाँ पर मैं अगर 25 लिखूं और इसका मैं करड़ी लगा दूं, ये तो अब आप दिमाग लगाइए कि 25 का अगर हम निकालें तो निकल जाएगा मेरा, आ जाएगा क्या 5। ये निकल के चला आया, मतलब इसका करड़ी निकलने के बाद जो आंसर है हमारा 5 है। ये हो गया मूल हमारा, 5 क्या हो गया इसका मूल, यानी कि हमारा जैसे बोलते हैं ना वो स्क्वायर रूट, वर्ग मूल, क्यूब रूट, यानी घन मूल। तो घन मूल में एक संख्या निकलती है, वर्ग मूल में एक संख्या निकलती है, परंतु कभी कभी ऐसी संख्या निकलती है वहां पूरा निकलती है और निकलती भी नहीं है, यानी कुछ निकलता है तो कुछ नहीं निकलता। ये सब करड़ी में आते हैं। सब क्या है मतलब, ये वाली बीमारी अगर आपको कहीं पर भी मिल जा रही है ये वाली बीमारी, तो आपको समझ लें ये करड़ी वाली बीमारी है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो चिन्ह है वो करड़ी हो गया, और इसकी परिभाषा जो हो गई कि जो संख्याओं का जो मूल, संख्याओं के मूल ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, जो पद्धति बनाई जाती है, वही हमारा करड़ी होती है। ठीक है, इसे चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सर अब आ जाते हैं इसके प्रकार पर। प्रकार हमारा कौन सा होता है? सबसे पहला प्रकार, पहला प्रकार जो होता है आपका वो शुद्ध करड़ी होता है। कौन सा करड़ी? वो होता है शुद्ध करड़ी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्योर सर्ड। क्या? प्योर सर्ड। प्योर सर्ड, ठीक है, प्योर सर्ड। अब शुद्ध करड़ी जो है, यह एक ऐसी संख्या मतलब करड़ी होती है जिसमें कोई एक परिमेय संख्या हो, कोई भी एक आपकी परिमेय संख्या हो, यानी उसका गुणनखंड जो, सॉरी उसका कोई परिमेय गुणनखंड हो, उसका इनमें से जो भी संख्याएं अगर शुद्ध करड़ी आ रही है तो उसमें से एक आपका परिमेय गुणनखंड हो। क्या हो? परिमेय गुणनखंड। अब बच्चों को दिक्कत होती है, अब होगी कि परिमेय क्या होता है, तो आप हमारी संख्या पद्धति वाली वीडियो देख लीजिए। कौन सी वीडियो? संख्या पद्धति वाली। अगर आप हमारी संख्या पद्धति वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि संख्या पद्धति वाली में वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सारी संख्याओं का डिटेल बताए हैं, एग्जाम्पल सहित बताए हैं, एकदम बेसिक से बताए हैं, वो देखेंगे तो आपको परिमेय संख्या समझ में आ जाए, तो देख लेना जरूर। इन्हीं सही शब्दों में कहें, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो कि पूरी तरीके से कट भी जाए, उसका वर्गमूल भी निकल जाए, और साथ ही साथ उसका डिवीजन भी हो जाए, ऐसी चीजें होती हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका शुद्ध करड़ी क्या होती है? सॉरी थोड़ा सा निकल गया, जिसमें एकक परिमेय हो। क्या हो? एकक परिमेय गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक, एकक परिमेय गुणनखंड हो, तो ऐसी करड़ी शुद्ध करड़ी होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो जैसे हमारा अंडर रूट 3 आ गया, यानी रूट 3, रूट 5 आ गया, रूट 8 आ गया, कुछ ऐसे रूट आपको जो लगे ना, तो ये सारी चीजें, यानी इसमें एकक परिमेय गुणनखंड, मतलब इसमें परिमेय गुणनखंड कोई होता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर दूसरी, दूसरे टाइप पर। तो एक टाइप अगर दूसरा टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं मिश्र करड़ी। कौन सी करड़ी? मिश्र करड़ी, मिश्र करड़ी।
अब मिक्स करड़ी को हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सर्ड, मिक्स्ड सर्ड, ठीक। तो इसमें आपका मिश्र करड़ी में आपका क्या होता है, एक परिमेय गुणनखंड तो होगा ही, इसमें क्या होगा कि एकक परिमेय गुणनखंड तो होगा ही, एकक परिमेय गुणनखंड, एकक परिमेय गुणनखंड, एकक परिमेय गुणनखंड तो होगा ही, इसके अलावा मैं बात करता हूं, तो इसके अलावा जो है, इसके अलावा मान लीजिए कि कोई एक परिमेय संख्या होगी, कोई एक परिमेय संख्या होगी, कोई एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक, इस तरीके से, मतलब इसमें इस तरीके से एकक आपके परिमेय संख्या होंगे, गुणनखंड होंगे, इस तरीके से होंगे। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखूं, मेरा मान लीजिए √3 ही था, इसमें मैं 2 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, इसके बाद मेरा √5 था, इसके बाद मैं यहाँ पर कोई संख्या मैं 4 लगा दूं, इसके बाद मेरा √8 है, यहाँ पर मैं कोई संख्या लगा दूं, मान लीजिए कुछ भी लगा दूं, 3 लगा देता हूँ, ठीक। बस ऐसे ये हमारी क्या हो गई, मिक्स्ड करड़ी, मतलब इसमें हमारा दोनों है, ये भी है ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है तीसरी, कौन सा, तीसरी करड़ी, तीसरी करड़ी जो होती है मिश्र करड़ी के बाद आती है सजाती करड़ी, कौन सा, सजाती, सजाती करड़ी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइक करड़ी, सॉरी लाइक सर्ड, लाइक सर्ड, तो लाइक सर्ड सजाती है, वो इसे यहाँ नाम से भी पता चल रहा है कि ये सजाती होगी, सजाती करड़ी। तो ये एक ऐसी करड़ी होती है जिसमें कि अपरिमेय गुणनखंड, क्या यहाँ पर परिमेय लिखा था ना, अब यहाँ पर आपका अपरिमेय अपरिमेय गुणनखंड समान हो, एक समान हो, एक समान हो, ऐसा हो एक समान हो, ठीक है। तो ये हो जाती है सजाती करड़ी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं √3, फिर यहाँ पर लिखूं √3 2, फिर यहाँ पर लिखूं √3, कुछ ऐसे लिख, यहाँ पर ये देखिए सभी सेम ही है, ये दोनों तीनों सभी क्या है, सेम है। इस तरीके से होती है सजाती करड़ी, ठीक है। क्या होती है सजाती करड़ी में, उसके बाद आपका 4 नंबर हो जाता है, 4 नंबर में आपका संयुग्मी सरणी, संयुग्म की करड़ी, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्या, कंजुगेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट सरण, ये ठीक। अब इसमें जो होता है, इसमें आपका दो दो पद वाली करड़ी होती है, कितने पद, दो पद वाली करड़ी, दो पद वाली, दोनों पद वाली, और उसके साथ समान पद, मतलब पद जो हो समान पद हो, समान पद हो, बीच का चिन्ह, बीच का चिन्ह कैसा भी हो, चाहे जैसा हो, ठीक। ऐसे अब इसको समझते हैं, तो इसमें हमारा जैसे मान लीजिए √8 आया, ठीक, इसके बाहर मैंने लिखा हुआ है 3+, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर 3- लिख के √, इस तरीके, तो ये बीच में चिन्ह चेंज हो जाएगा, समान दो पद वाली होंगी, दो पद हमारे हैं इसमें, हमारा 4 टाइप का हो जाता है। और इनके जो नियम होते हैं, नियम के आधार पर मैं इनके फार्मूले क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहला नंबर रूल लिखते हैं,
नियम, नियम में देखिए क्या है कि किसी संख्या का यानी एक अंडर रूट लगा हुआ है, एक अंडर रूट लगा हुआ है। अगर एक अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका कोई अंडर रूट जो भी रहेगा ये वाली संख्या घात बन जाएगी, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, घात बन जाएगी इस वाली संख्या के, ठीक ये वाली, ये यन जो है नीचे जाएगा और हमारी ये बन जाएगी घात, ये क्या बन जाएगी घात, इस तरीके से हो जाता है। ये आपका पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर हम देखते हैं, सेम ऐसे ही मतलब ए और बी का अंडर रूट हो, उसके बाहर आपका एन हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज मतलब ए का भी एन है और बी का भी एन है, यानी इस तरीके से रहेगा, एक बटा एन इसका भी रहेगा एक बटा एन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अंडर रूट ए का एन यहाँ पर कर देते हैं अलग, ठीक, और ये जो है भाग में रहेगा तो इसको मतलब हम इसको नीचे कर देते हैं, सॉरी 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 कुछ यहाँ पर, हाँ ये हुआ, उसके बाद ये वाला हुआ एन है, ये एन के बाद यहाँ पर आपका गुड़ा गुड़ा लगेगा ना, क्योंकि ये गुड़ा अंडर रूट बी एन एस तरीके से हो गया। अब तीसरा रूल देखते हैं, तो यहाँ पर तीसरा रूल क्या कहता है, यही जो संख्या है ए ये वाली, इसके बाद अंडर रूट लगाए यहाँ पर एन नीचे, ठीक इस तरीके से हो गया। और जब ये बटा में होगा, जब यहाँ पर ये बटा में होगा, बटा में होने का मतलब है कि इसको भी बटा में कर दो, अंडर रूट ए का एन बटा अंडर रूट बी का एन इस तरीके से हो गया। फिर चार नंबर रूल नियम क्या होता है इसमें, अंडर रूट ए का एन और बाहर से फिर एन, इसका एन से एन कैंसिल आउट, ये खत्म हो जाएगा, ए आ जाएगा और रूट जीरो आ जाएगा। उसके बाद आपका पांच नंबर आएगा, एम जो है एम आपका अंडर रूट एन का और अंडर रूट ए का, इस तरीके से एम और एन अंडर रूट ए बन जाएगा, ठीक। और छह नंबर का अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारा एन ए यहाँ पर होगा, एम जो होगा बाहर होगा, और इस तरीके से एम अंडर रूट ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम, ठीक। ये हमारे थे आपके लिए छह रूल थे, ठीक। यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें हम लेकर आए थे तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका हमारा बेसिक जो था, करड़ी क्या होती है, करड़ी के बारे में जो चीजें हैं उसको समझा दें। अब यहाँ पर कोई भी संख्या होगी तो ये सूत्र काम कर जाएगा, बस आपको कैसे लगाना और समझ सकते हैं वर्ग मूल और घनमूल के सारे सदस्य, तो वर्ग और वर्गमूल और घनमूल मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको देख लेना, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। वर्ग और वर्गमूल हमारा अगला वीडियो आने वाला है तो ध्यान दीजिएगा उस चीज को, वर्ग और वर्गमूल में अगली वीडियो जो है लेकर के आऊंगा, ठीक है। ये हो गया, तो बताइए यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत हुई आपको, अगर यहाँ पर देखिए इस तरीके की संख्याएं हो तो इसका मतलब शुद्ध करणी, यहाँ पर लिखा मिश्र करणी मतलब ये वाली संख्या भी, इसके आगे भी कुछ हो लिखा हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया लाइक सर्ट मतलब एक ही चीज जिसमें रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री सभी है, संयुग्म जो आपका संयुगी करणी होता है कंजुगेट सर्ट होता है, ये दो पद वाली होगी और दोनों पद जो होंगे समान होंगे और बीच का चिन्ह कैसा भी हो सकता है, इस तरीके से ये हो गया। देखिए बीच के चिन्ह यहाँ प्लस यहाँ माइनस कुछ ऐसे भी हो सकता है। हमारा जो है सर्ट्स था, सर्ट्स के बाद नेक्स्ट वीडियो वर्गमूल और घनमूल वाला होगा, साथ ही साथ हमारा मतलब तीन प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, एक आपका गणित का चल रहा है ये बेसिक वाला, उसके साथ साथ वहाँ इंग्लिश भी चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन के लिए प्लेलिस्ट स्टार्ट किए हैं, तीन चीजें चलती हैं, तीनों चीजें आप देखते रहिए, धीरे धीरे करके आपका तेज हो जाएगा गणित और न्यूमेरिकल दोनों, ओके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, स्टे रहिए और खुश रहिए, और चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ सारी देख सकते हैं, ओके। बेसिक चीजें हैं जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।